हाय, मेरा नाम अफसाना है और 4 मंथ पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। दैन मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था। मेरे पैर में एंकल में मेरा फ्रैक्चर आ गया था। दैन मेरा 5.5 वीक्स मेरा प्लास्टर रहा था। दैन प्लास्टर उतरने के बाद मेरी कोई मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। वॉकिंग, बैठने उठने सब में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी। किसी ने मुझे यहाँ सजेस्ट किया। देन मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे एक्सरसाइजेज से मुझे बहुत रिलीफ मिला। अब मैं प्रॉपरली वॉक कर पा रही हूँ। एंड काफ़ी हद तक मेरा पैर बहुत पहले जैसा ठीक हो गया है। आगे और रिकवर हो रहा है। अभी मेरी और भी क्लासेस रहती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं पहले जैसे चलने लगूँगी। सारा कितना टाइम लगा है आपको? 4 मंथ आपका जो था कोई मोबिलाइजेशन कुछ कोई मूवमेंट नहीं था ना? 4 मंथ तक आपका प्लास्टर रहा है या। और आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, आपको कितना फायदा हुआ है पहले से अब तक? अगर आपसे स्केल पर पूछा जाए तो स्टार्टिंग में आपका पेन कंट्रोल कितना था, अब आपका पेन कितना है? स्टार्टिंग में पेन की कहूँ तो पेन बहुत ज़्यादा था कि मैं नॉर्मली वॉक कर ही नहीं सकती थी, लेकिन अभी मेरा पेन बहुत हद तक कम है। आप एक्सरसाइजेस कर रही हैं? यस। सच में? हाँ, कर रही हूँ। हाँ। ये अफसाना थी, इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है। ये हमारे पास आई थी अभी आई थिंक 2 वीक्स बैक। बहुत ज़्यादा पेन में थी ये और प्लास्टर था इनका, तो यहाँ पर हम लोगों ने काटा है। उसके बाद एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी हैं। इनिशियली 5 डेज में बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हुई थी। एक्सरसाइजेस स्टार्ट हुई थी। हाँ, 5 डेज बाद ही मुझे बहुत बेटर फील हुआ कि मैं अब खुद से प्रॉपरली चल पा रही हूँ। उसके बाद हमने इनको ऑर्डिनेट बुलाया है और आप देख सकते हैं, आप एक्सरसाइज देख सकते हैं, इजीली वॉक कर रही हैं अच्छे से। बैलेंस अच्छा हो गया है, स्ट्रेंथिंग आ गई है। या पहले मेरा बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब था कि मैं प्रॉपरली किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी मुझे बाय रोड वॉक करने के लिए, बट अब मैं खुद से वॉक कर सकती हूँ। सो अफसाना, आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहती हैं क्लिनिक के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में? या मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे यहाँ के क्लिनिक के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा फील हुआ। एंड मुझे लग रहा है कि अगर किसी को मेरे जैसी प्रॉब्लम है तो उन्हें भी फ्यूचर में आना चाहिए। थैंक यू अफसाना।